Hello everyone, this side Priyanshi, and today in this video I am going to talk about MPSC declared the result of pre-examinations of Group C Recruitment 2021. So जी हाँ, हाल ही में MPSC महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप सी रिक्रूटमेंट ऑफ 2021 के जो प्री एग्जाम्स हुए उसका रिजल्ट आउट कर दिया है. सो जिन भी कैंडिडेट्स ने MPSC ग्रुप सी रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम दिया था उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स ने प्री का एग्ज़ाम क्लियर किया है और अब एलिजिबल है मेंस देने के लिए. कौन सी साइट पे आपका रिजल्ट आउट हुआ है, आपको रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं, उसका पूरा स्टेप वाइज प्रोसीजर आपको बताया जाएगा. आपका एग्ज़ाम कब हुआ था, कैसे हुआ था और अब मेंस कब होने वाला है, सो सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जो भी है इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी वो आपको मिलेगी आज के इस वीडियो में. सो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें. सो हाल ही में MPSC महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्री एग्ज़ाम्स ऑफ ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2021 का रिजल्ट घोषित कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट mpsc.gov.in. सो जो इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं दे कैन चेक देयर रिजल्ट थ्रू देयर ऑफिशियल वेबसाइट mpsc.gov.in. अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनका जो मेरिट लिस्ट है वो रीज़न वाइज कैटेगरी में जारी की गई है. आपको रीज़न वाइज कैटेगरी में अपना नाम मिल जाएगा, साथ ही कास्ट वाइज कैटेगरी में भी कट ऑफ जारी करी गई है. सो मेरिट लिस्ट को आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑल्सो टोटल 31,298 स्टूडेंट्स ने प्री का एग्ज़ाम क्लियर किया है एंड देन आगे वो अब एलिजिबल है मेंस देने के लिए. मेंस का जो एग्ज़ाम है वो होगा आने वाले अगस्त एंड सितंबर ऑफ 2022 में, और जिसके प्री एग्ज़ाम्स का जो रिज़ल्ट अभी निकाला गया है वो हुआ था अप्रैल ऑफ 2022 में. अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये ड्राइव जो रिक्रूटमेंट ड्राइव MPSC ने शुरू करी वो शुरू करी गई टोटल 900 वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए. सो जो ऑब्जेक्टिव है इस पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस का एंड में 900 सीट्स फिल की जाएंगी. तो आइए अब जानते हैं कैटेगरी वाइज की कितनी सीट्स कौन सी पोस्ट के लिए हैं. सो अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्री इंस्पेक्टर की तो उसके लिए हैं टोटल 103 सीट्स, डिप्यूटी इंस्पेक्टर के लिए हैं टोटल 114 सीट, टैक्स असिस्टेंट के लिए हैं टोटल 117 सीट, क्लर्क टाइपिस्ट के लिए हैं टोटल 573 सीट्स एंड टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए हैं टोटल 14 सीट्स. सो ये जो क्राइटेरिया है इसके अकॉर्डिंग एंड में टोटल 900 सीट्स जो है फिल करी जाएंगी. तो आइए आप जानते हैं कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं. सो सबसे पहले आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करेंगे, वहाँ पे जाके आप स्टूडेंट डिटेल्स में जाएंगे, देन आपको एक रिजल्ट का ऑप्शन मिलेगा, देन आपको उसको खोलना है. उसके बाद आपको ग्रुप सी रिसर्च प्री रिजल्ट एक आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, आपको उसको खोलना है, अपनी डिटेल्स डालनी है, देन आपके रिजल्ट की जो PDF हो वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी. आप उस PDF को सेव करके रख सकते हैं और प्रिंटआउट निकाल के रख सकते हैं फॉर फर्दर यूज़. और आपके जो मेंस के एग्ज़ाम है वो अगस्त एंड सितंबर ऑफ 2022 में ही होने वाले हैं. सो अगर आपने ये एग्ज़ाम प्री का क्लियर कर लिया है सो आप जल्दी से अपने मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए. ऐसी और जॉब रिलेटेड और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ. चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. थैंक यू.